तो दोस्तों फाइनली इन्फिनिक्स इंडिया पे 5G फ़ोन लॉन्च कर रहा है, और एक नहीं दो दो 5G फ़ोन को लॉन्च कर रहा है, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, मैंने एक वीडियो में बताया है। बट क्वेश्चन ये आता है कि भाई इन्फिनिक्स का जो 5G फ़ोन आएगा उसका प्राइस कितना होगा इंडिया पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इन्फिनिक्स का 5G फ़ोन का प्राइस कितना होगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो है Q&A वीडियो है, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, आप लोगों ने काफ़ी सारा क्वेश्चन किया है। तो गाइस आज इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर एक बाई एक देने वाला हूँ, वन बाई वन देने वाला हूँ। सबसे पहला कमेंट जो किया है भाई ने, बोला है वेस्ट बंगाल में खेला होबे चल रहा है, भाई राजनीति को साइड में रखो, टेक पे ध्यान दो, ये टेक चैनल है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन किया है भाई ने, बोला है एक महीने में कितना अर्निंग कर लेते हो यूट्यूब से। लास्ट मंथ की बात करूँ तो भाई जीरो, कोई भी पैसा नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जो न्यू है यूट्यूब में आना चाहते हैं उसको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपके पास टैलेंट होना चाहिए, सेकेंड बात सब्र होना चाहिए, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको थोड़ा सा ग्रो होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसलिए आपको सब्र भी चाहिए। तो एक तो टैलेंट और दूसरा सब्र, तो ये दो चीज़ रहेगा तो आप YouTube में आ सकते हो और पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, क्वेश्चन ये है कि रियलमी 8 5G इंडिया पे कब तक आएगा। तो देखिए इस महीने का लास्ट में आ सकता है या फिर नेक्स्ट महीना आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अनबॉक्सिंग किसी टेबल या फ्लोर पे क्या करो, भाई आउटडोर में अच्छा नहीं लगता है। और उसी ने एक और क्वेश्चन किया है कि भाई सेटअप का काम कितना बाकी है और कितना टाइम लगेगा मतलब कंप्लीट होने में। तो देखिए भाई अभी ये तो सिर्फ सेटअप नहीं तैयार हो रहा है, साथ में घर भी हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी छत का ढलाई भी नहीं हुआ है, तो शायद 2 महीना और लग सकता है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्द हो सके मेरा सेटअप बन जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया है, 100K से ज़्यादा सब्सक्राइबर है फिर भी व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई देखिए मेरा जितना सारा सब्सक्राइबर है ना वो एक्टिव नहीं रहता है शायद, मुझे ऐसा लगता है, या फिर नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता नहीं है, या फिर भेजता है तो शायद जिसको पास जाता है उसको पसंद नहीं आता मेरा वीडियो तो वो क्लिक नहीं करता है, तो काफ़ी सारा रीज़न हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया है भाई, यूट्यूब के लिए 12 से 13 हज़ार के अंदर कौन सा बेस्ट मोबाइल है। देखिए मैं जो मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मुझे लगता है बेस्ट है, जो है पोको M2 प्रो, और 13 हज़ार में ये मिल जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, क्या आप फुल टाइम यूट्यूबर हो? फिलहाल तो हूँ, कोई काम अभी दूसरा नहीं करता हूँ, बाकी मंथली इनकम भाई लास्ट महीना 0 आया था और नेक्स्ट महीना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फिनिक्स 08i और पोको X3 में से कौन सा बेटर है? पोको X3 ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आप कौन सा फ़ोन यूज कर रहे हो, पोको M2 प्रो, रियलमी 8 और रेडमी नोट 10? पोको M2 प्रो, और वही मेरा पर्सनल मोबाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आप जो मोबाइल फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से परचेस करते हो वो किसी के लिए या फिर पर्सनल यूज करने के लिए? देखिए भाई पर्सनल यूज करने के लिए तो 2-4 मोबाइल नहीं लगता है, तो मैं पर्सनल यूज करने के लिए तो नहीं खरीदता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ, बाकी मोबाइल को इधर उधर शिफ्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अभी तक आपने होम मेकिंग में कितना पैसा लगा डाला है? मेरे ख्याल से 6 तक चला गया है, अब 6 कितना है वो तो आप समझ जाओ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दादा, 20 हज़ार में कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप चाहिए? मैं टू गुड चाहे कोई भी वेबसाइट रहे, मैं कहीं पर भी सेकेंड हैंड चीज़ को खरीदने के लिए नहीं कहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आप कौन सा मोबाइल से वीडियो शूट करते हो और कौन सा ऐप एडिटिंग के टाइम में यूज करते हो? तो मेरा जो मोबाइल है पोको M2 प्रो है, और जो ऐप यूज करता हूँ वो पावर डायरेक्टर है, जो कि फ्री में आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फिनिक्स का 08 भाई रीब्रांड करके आ सकता है डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर के साथ 5G जो मोबाइल आएगा? देखिए जो 08 है काफ़ी अच्छा मोबाइल है, इंडिया पे तो आया नहीं है, ये दुखजनक बात है, बट जो अभी 5G वाला फ़ोन आएगा वो 08 होगा, 09 होगा, क्या होगा अभी तक ये कंफर्म नहीं है, और मुझे नहीं लगता ये रीब्रांड होके आएगा या फिर दूसरा कोई प्रोसेसर इसमें ऐड करेगा, देखते हैं जो होगा तो पता चल ही जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, मुझे सेल आने में रेडमी नोट 10 खरीदना है, कौन सा कलर खरीदूँ? मुझे लगता है ग्रीन वाला कलर ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सेटअप पूरा हो गया? नहीं, काम चल रहा है, मैंने बताया 2 महीना शायद लग सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि घर भी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आपको यूट्यूब में काम करते हुए कितना साल हो गया? लगभग 4 साल होने ही वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, रेडमी नोट 10 लेना चाहिए या फिर रियलमी 8 फॉर गेमिंग? गेमिंग के लिए रियलमी 8 ज़्यादा बेटर है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 हज़ार में खरीदना है मोबाइल, में 1 हज़ार और ऐड करने के लिए कहूँगा, और माइक्रोमैक्स इन 1 जो आया है उसको खरीद लो आप, वो बेटर मोबाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडमी नोट 10 दुबई में 4GB 64GB वाला हाँ मिलता है, आप जाके चेक करना जरूर मिल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका सबसे बड़ा इनकम कितना आया था आज तक? ये थोड़ा सा हाइड रख लो तो अच्छी बात है, बाकी नेक्स्ट और भी कुछ पूछा है भाई, आप कंपनी से प्रमोशन या फिर स्पॉन्सरशिप नहीं मांगते हो तो भाई मोबाइल अनबॉक्सिंग करने के बाद सब फन को क्या कर रहे हो? देखिए मोबाइल को मैं साइड में इधर उधर शिफ्ट कर देता हूँ, किसी को बेच देता हूँ, तो ऐसे मैनेज करता हूँ क्योंकि अनबॉक्सिंग वाला वीडियो लाना है और
दोस्त मोबाइल अगर खरीदता है तो उसका मोबाइल भी लाता हूँ, ऐसे ही मतलब मैनेज करके अनबॉक्सिंग वाला और रिव्यू वाला वीडियो लाता हूँ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्फिनिक्स का 5G फ़ोन कितने में आएगा? देखिए ये क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इन्फिनिक्स हमेशा सस्ते में फ़ोन लॉन्च करता है, बट ये जो 5G वाला फ़ोन आएगा 15,000 के ऊपर का प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा, 20,000 के नीचे मतलब 15 से 20 के अंदर आपको दो फ़ोन इन्फिनिक्स का देखने को मिलेगा, दोनों का दोनों 5G होगा जो ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है। तो प्राइस मैं आपको बता दिया, बट ये कन्फर्म नहीं है कि मैं मतलब 15,000 ही होगा या फिर 16,000 ही होगा, 15 से 20 के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पिक्चर कौन सा मोबाइल का है? मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, रेडमी नोट 10 का है, मैंने अनबॉक्सिंग किया, रिव्यू किया, सब कुछ किया, तो वही मोबाइल का वो फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आप फ्लिपकार्ट में गेम खेलते हो? जी नहीं, फ्लिपकार्ट में मैं गेम नहीं खेलता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ। अगर आपका मन में अभी भी कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और भाई को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं और कोई इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।